हे शनि महाराज, जय हो शनिदेव। हे गाइस, राम राम से सभी को। कैसे हो तो आप सब? जय शनिदेव। तो गाइस, आज मैं आया हूँ यहाँ पे, एक धाम है कोकला वन धाम, जो कि ब्रज का 84 क्रॉस पर मकम एक धाम है। और ये मैं दिल्ली से 3.5 घंटे की रास्ता है। जो सबसे नियरेस्ट हाईवे है नेशनल हाईवे 2 है, वहाँ पर एक प्लेस है कोसीकला, वहाँ से सीधे राइट टर्न लेके लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये जो शनि महाराज है इनका गेट आता है। अब चलेंगे इससे अंदर मंदिर की तरफ। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के लोग, लेट्स गेट स्टार्टेड। अंदर मंदिर में जाने से पहले परिक्रमा लगाएंगे, वो मेन मंदिर है। यहाँ से हम परिक्रमा जो है स्टार्ट करेंगे इस शनि देव के चारों तरफ। और वो कितने कोस की है ये अभी पता चलेगा, कितने किलोमीटर की है। ये क्या कर रहे हैं गाइस? परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 5 बार गेहूँ के दाने रखते हैं बुद्धि भरकर, और फिर परिक्रमा मार्ग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, पहले पूछते हैं बाबा से कितने किलोमीटर की है। गाइस ये जो है 1.25 कोस की परिक्रमा है। 1.25 कोस बता देता हूँ क्या, कि एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट कर दिया हमने परिक्रमा के बाद आपको दर्शन कराएंगे। इस भीड़ देख रहे हो आप, ये रास्ता बना हुआ है परिक्रमा के लिए। जगह जगह यहाँ पर बहुत दूर दूर से दान पुण्य के लिए बैठे हुए हैं लोग बहुत सारे, और परिक्रमा हमारी चालू है। बीच में परिक्रमा के ये हनुमान जी का मंदिर पड़ता है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ी मूर्ति है इनकी। चलिए गाइस, और यहाँ पर ये गौशाला है जिसमें दान पात्र के जो इच्छा से अपनी वो दान कर सकते हैं। चलते गाइस अंदर, गेट से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद अब मेन गेट आ गया है शनि महाराज का, कोकिला वन देव का। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री शनि देव मंदिर कोकिला वन धाम। इस धाम का नाम है कोकिला वन, और जो यहाँ पे भगवान है वो श्री शनि देव है। तो अंदर चलते हैं अभी। तो गाइस ये आ चुका है मेन गेट। आपको बता दूँ ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पर, और लिखा हुआ श्री निम्बार्क महामुनि द्राय नमः श्री रामेश्वर मदार कोकिला वन धाम। चलिए गाइस अब अंदर चलते हैं इस धाम से, और आपको दर्शन कराते हैं श्री शनिदेव के। जय शनिदेव। बहुत भीड़ है आज, क्योंकि आज शनिवार ही है, और तो बहुत भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हालांकि आप जब जितने जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा भीड़ बढ़ती चली जाएगी। अभी 2:36 हो गए हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, शुद्ध घी का भंडारा कराने वाले यहाँ संपर्क करें। तो यहाँ फिलहाल अभी भंडारा चल रहा है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ खाने का, भंडारा चलता रहता है। और इस तरीके से दिखाई देता है हमारा शनि धाम का मंदिर। मेन जो मुख्य द्वार है वो है श्री शनिदेव मुख्य द्वार। तो चलिए उस मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस मुख्य द्वार में से जाने से पहले आपको इधर जाना होता है, और अब इधर किस काम के लिए जा रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस ये एक मंदिर है ना, बरखंडी बाबा का मंदिर। इसके पहले ढोक लगानी होती है, तभी शनि, ऐसा बोला जाता है। तो अभी हम यहाँ आए। जय देव। बरखंडी देव जी हैं, बरखंडी देव जी। यहाँ पर पूजन वगैरह किया जाता है, मेरी अर्धांगिनी पूजा करती हुई। गाइस अंदर एक परिक्रमा लगाने के बाद अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं हमारे। चलो भाई चलो, आई थिंक सामने मेरे हिसाब से पता नहीं क्या है, पर अभी चलते देखते हैं। यहाँ पे मंदिर है, कौन सा मंदिर है? ओके देखते हैं, ये है शायद नवग्रह मंदिर। जय बुद्धदेव लिखा हुआ है, बुद्धदेव से स्टार्टिंग करी। अब अंदर चलते हैं मंदिर के। तो गाइस यहाँ पे भी शनि देव है, और ये रहे वो शनि देव। जय शनि देव, जय हो शनि देव। तो यहाँ पे भी तेल चढ़ता है, यहाँ चढ़ाएंगे। हाँ मंदिर, और यहाँ पर दीपक की व्यवस्था की है कि आप यहाँ दीपक जला सकते हैं। ये शुक्र ग्रह, ऐसे ही सारे 9 के 9 ग्रह जो है यहाँ स्थित है,
और बीच में शनि देव, तो ये हो गए सूर्यदेव, ये हो गए चंद्रदेव, चंद्रदेव जी महाराज, उसके बाद जय मंगल देव, फिर आ गया हमारे राहु देव, ये है केतु देव, राहु और केतु की जोड़ी। भाई शनि देव के दर्शन करने से पहले बनखंडी, कुरुसी और ये नवग्रह मंदिर के दर्शन करने होते हैं, जिसमें शनि देव को विराजमान है। उसके बाद मेन शनि देव यहाँ के तब दर्शन करते हैं, लेकिन अभी भी एक चीज़ और बाकी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। चलिए, है ये कुंड, जहाँ पर अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको इस कुंड में नहा कर ही दर्शन करने चाहिए शनि देव के। और इस कुंड में एक ही बात है कि नहाने के बाद कपड़े यहीं छोड़ने चाहिए जो आप पहन के आए हो, फिर उसके बाद इसमें नहाना चाहिए। गाइस, ये है सूरज कुंड, जिसमें स्नान करके शनि देव के दर्शन करने चाहिए। अगर ये पॉसिबल ना हो तो हाथ मुंह धो के एटलीस्ट दर्शन करने चाहिए। तो गाइस, ये है सूरज कुंड, उसके जस्ट सामने है गिरिराज जी। जी हाँ, गिरिराज जी यहाँ पर दुग्ध दान करके चढ़ाया जाता है। है कोकलेश्वर महादेव, जो गिरिराज जी महादेव के मंदिर के सामने, एक गिरिराज महादेव का मंदिर, कोकलेश्वर महादेव जी का मंदिर, तो इनके भी दर्शन कर लेते हैं। जय भोलेनाथ। तो गाइस, अब वो टाइम आ गया है कि अब अपन चलेंगे मेन शनि महाराज के मंदिर, जो यहाँ पर जो धाम बेसिकली है। चलिए गाइस, अंदर चलते हैं। तो गाइस, दो रास्ते, एक ये है और एक ये है, कहीं से भी आप जा सकते हो अंदर, तो अभी चलते हैं अपन अंदर। चलिए गाइस, अब चलते हैं इस भव्य मंदिर की ओर, अंदर की तरफ एंटर होते हुए। डिवाइडेशन लगा हुआ है दोनों तरफ, तो अंदर से कुछ इस तरीके से फर्स्ट अपीयरेंस दिखता है। इस तरफ जाना है अपन को, श्री शनिदेव प्रवेश द्वार। तो गाइस, गेट से बाहर निकलते ही ये राइट हैंड साइड पर आपको एक गेट दिखा होगा, इसमें अंदर एंट्री लेते हैं। नीचे तो खाकर ये लोग, आप देखिए हमारे शनि बाबा, ये हैं कोकिलावन के शनि महाराज। जय हो शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। ये शनिदेव है चोट यहाँ की, इसमें भी थोड़ा सा तेल गाल देते हैं, अब अंदर चलते हैं। ये देख रहे हो आप, वहाँ पर इधर इस जगह पर तेल चढ़ाते हैं, ऑटोमेटिक वहाँ चढ़ जाता है। ये देखो वहाँ तक जा रहे हैं, ये देखो क्या सिचुएशन, क्या सिस्टम बना रखा है। सिर्फ जो शनि के लिए उसके ऊपर ऑटोमेटिक चढ़ रहा है। तो गाइस, इस तरीके से यहाँ पर शनि महाराज के जो आस बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। ये रहे शनिदेव। तो गाइस, वहाँ से एंट्री थी एक परिक्रमा लगा के, यहाँ से एक्सिट है, तो अभी अपन यहाँ से चलने वाले हैं। देख रहे हो कितना सा गेट है और कितने लोग हैं, ये देखो कमी नहीं है लोगों की। गाइस, ये वो चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे पंडित हैं जो काम करते हैं शनिदेव का। आपकी कोई भी विशेष हो या कुछ भी हो, जो पंडित परंपरा जो करते हैं वो ये है, यहाँ पे आग वाके वो करवा सकते हैं। यहाँ पे ही निम्बक महामुनि राय नमः श्री ठाकुर बिहारी जी को किला, ठाकुर जी का मंदिर। चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। भक्तों, ये है हमारे ठाकुर जी, तो यहाँ पे कोकिलावन बिहारी जी भगवान, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सब बाहर आते हैं, जय माता दी, ये लक्ष्मी माता का मंदिर। तो गाइस, हो गए दर्शन, अब मंदिर के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, तो अभी प्रस्थान करते हैं। तो गाइस, हमारी परिक्रमा भी पूरा हो गई है और दर्शन भी पूरे हो गए हैं। तो गाइस, अब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गए, तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ओम प्रकाश, राधे राधे।